भारत देशवासियों को कोटि-कोटि प्रणाम। आज हम चितापुर में है, कर्नाटक स्टेट। यहाँ एक बहुत स्पेशल दुनिया मतलब लोग बैठे हैं और मैं यहाँ बताता हूँ, ये चितापुर क्षेत्र में एक संकल्प यात्री होने वाले बहुत बढ़िया चेयर लगाए हैं। और अभी हम एक अपना समाज का एक महान नेता है पोबू राठौर सर, नमस्कार सर। आज क्या विशेष है यहाँ? आज इस देखो कर्नाटक में एक तारीख से विजय संकल्प यात्रा चालू हो गया बीजेपी का। तो आज 4 तारीख और विजय संकल्प यात्रा में हमारे माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री बसुरा टुम्बई जी और हमारे गरीबों का मसीहा और गोरगरीबों का नेता बीएस येडियुरप्पा जी और बाकी सभी हमारे सेंट्रल से अमित शाह आने वाले के अमित शाह भी आने का चांसेस है। अरे बोल के बोल रहे हैं दोनों भी, अमित शाह जी भी आने के चांसेस है और बाकी हमारे कर्नाटक के सभी नेता इस विजय संकल्प यात्रा में चितापुर में बीजेपी का 2023 में बीजेपी का मोर्चा जगाने के लिए। सर अभी तो यहाँ बहुत खड़े प्रियंका खड़गे मतलब ISCC मतलब सेंटर का जो राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष का बेटा आया है उसको देखो। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा रहने दो, प्रेसिडेंट का बेटा रहने दो। इस बार उसका हारना जीते चितापुर में ये यहाँ जो जीतने वाला घोड़ी कोई नाम है क्या सर? घोड़ा कोई बीजेपी पार्टी जो जिसको कामरेड करती है और सभी मिलके उसको लाके लाते ऐसा। बीजेपी इसको कैंडिडेट बनाती है यहाँ। हम सब मिलको उनको एक मत से इस बार चितापुर में बीजेपी का झंडा गाड़ना है। मतलब अभी ये गारंटी बीजेपी आने वाला आने वाली है आगे 100% इसमें कोई बात की गुंजाइश नहीं और कोई बात कोई बोल रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा जो विन होगा तो कर्नाटक में कांग्रेस उसको ही वही मुख्यमंत्री बनेगा बोल के ये वो सपने देखना सुनहरी लाल के सपने होते ना वैसे वो सपने में सोचना चाहिए वो ऐसा क्या? ओके थैंक यू सर, बहुत बढ़िया संदेश दिए आपको धन्यवाद सर। कोई आप बोलने वाले हैं? बस थैंक यू सर। ओके सर।